इस पूरे ढाका में इस तरह की का प्रयास चल रहा है प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार के और उद्योग विभाग के द्वारा, कि वेंचर्स यहीं आए, यहीं माल तैयार हो, यहीं से माल देश और दुनिया भर में सप्लाई हो, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। कारीगर से अपील करना चाहेंगे कि एक बार आके यहाँ काम करके देखें, जो बम्बई का रेट है उससे कहीं बेहतर हम लोग यहाँ पे रेट दे रहे हैं। सरकार से हम यही अपील करेंगे कि लाइट अगर यहाँ 24 घंटा दे देवे तो इसको चंपारण को, इस चंपारण को बम्बई बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मैं तो पंचायत चुनाव लड़ने से पहले ही वादा किया था लोगों से, वो मेरा सपना पूरा हो गया। हमारे पंचायत में अभी 50 मशीनें लगी है, आस्ते आस्ते कम से कम 100-150 बढ़ जाएंगे, कम से कम 500-600 लोगों का रोजगार यहाँ चलेगा। प्रशासनिक स्तर पर सारी सुविधाएं दी जाएगी, सुरक्षा के लिहाज हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए आगे बढ़ने के लिए, जो गलत लोग हैं उनको बिल्कुल प्रश्रय मत दीजिएगा, जो अच्छे लोग हैं, जो उद्यमी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको अपने कार्य पर लगाइए, हमारे पूरी सहयोग आप लोग को मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद है पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड अंतर्गत खैरवा पेट्रोल पंप के नज़दीक। दरअसल आपको बता दें कि आज आयशा एंटरप्राइजेज बैग के कारखाने का खैरवा में उद्घाटन हुआ है, खैरवा चौक पे, कि जिस काम को करने के लिए पूर्वी चंपारण ही नहीं बल्कि बिहार के कोने कोने से जो मजदूर थे, जो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में काम किया करते थे, अब उनके लिए पूर्वी चंपारण के ढाका में ही रोजगार मुहैया हो गई है। आयशा इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर अब्दुल मलिक से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा भी हमें पूरी तरह से सपोर्ट मिल रही है। आपको बता दें कि इस आयशा इंटरप्राइजेज को उद्घाटन करता रहे सिकराना एसडीओ इफ्तिखार अहमद, डीएसपी राजेश कुमार, भगवानपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रिजवान अहमद, इस पंचायत के पंचायत समिति इकरामुद्दीन के साथ साथ सैकड़ों लोग इस उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। ढाका प्रखंड के खैरवा में आयशा इंटरप्राइजेज बैग के कारखाने का उद्घाटन हुआ है, आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे, आने के बाद आपको कैसा लगा? क्या नहीं, देखिए मुख्य अतिथि जैसी बात नहीं है, ये काम आज से 3-4 महीना पहले डीएम सर के प्रयास से, हमारे उद्योग विभाग बिहार सरकार के प्रयास से प्रारंभ किया गया था। हम लोग भी इस स्कीम के एक हिस्सा रहे थे, तो आज हम यहाँ इन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आज इस फैक्ट्री की जो स्थापना हुई है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत की गई है, तो ऐसे कोई भी औद्योगिक इकाई या फिर इंडस्ट्री कि आज के दिन में प्रासंगिकता बढ़ गई है। अब वो दौर बदल गया है, जब सरकारी नौकरी बहुत इजीली मिलती थी, आज बदलते माहौल में ऐसी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ रही है जिसमें लोग स्वरोजगार से फैक्ट्री खोलें और 100-200 लोगों को रोज़गार दें, जैसा कि इस फैक्ट्री में है। 50 मशीन फर्स्ट फेज में लगाया गया है, अगर 3 शिफ्ट में काम होगा तो स्वाभाविक है कि 150 लोगों को रोज़ रोज़गार मिलेगा। इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो आए हमसे मिलें, लेकिन उनको बहुत तरह की सुविधा दे है, 50 लाख रुपए तक का ऋण उनको दिया जाएगा, बिजली बिल में रिबेट मिलेगा, फर्स्ट 1-2 साल तक ईएमआई उनको नहीं देना होगा, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रशासन उनके साथ है। सर, जब आपके द्वारा पहली मरतबा मीटिंग की गई थी कारखाना के जो सेठ लोग हैं उनके द्वारा, ठीक है, कैसा आपको लग रहा था, क्या सक्सेस को पाया? नहीं, शुरुआत के दौर में एक उत्साह भी था और कहीं ना कहीं डर भी था। डर इस बारे में था कि एक ढाका, मुंबई को ढाका में शिफ्ट करने का प्रयास चल रहा था कि जो यहाँ के लेबर, जो यहाँ के कारीगर, जो यहाँ के लोग मुंबई जाकर के बैग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब वो अपने घर में इंडस्ट्री लगाएंगे, तो एक उत्साह भी था और कहीं ना कहीं डर इस बात का था कि ये स्कीम धरातल पर उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी। 7-8 फैक्ट्री तो ऑलरेडी खुल चुका है, आने वाले दिनों में 8-10 फैक्ट्री और खुलने वाला है। किसी भी तरह के कारोबार को खोलने के लिए कोई भी युवा अगर चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो या तो वो हमसे मिल लें या जिला उद्योग संघ चले जाएं, क्योंकि जिला उद्योग संघ में जा करके उनको पंजीयन कराना होता है, वो एक बार पंजीयन करा लेंगे, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। चुनाव से पहले आपने हमारे चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि हम अपने पंचायत में रोजगार देने का काम करेंगे, और आज आपके पंचायत में लगभग 50 व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया गया है कारखाने के माध्यम से, कैसा लग रहा है आज के उद्घाटन समारोह में? नहीं, तो बहुत अच्छा लगा था। मैं तो पंचायत चुनाव
लड़ने से पहले ही वादा किया था लोगों से, वो मेरा सपना पूरा हो गया। हमारे पंचायत में अभी 50 मशीनें लगी है, आस्ते आस्ते कम से कम 100-150 बढ़ जाएंगे, कम से कम 500-600 लोगों का रोजगार यहाँ चलेगा। बताया जा रहा कि इसे बैठे कारखाने में आपका भी काफ़ी अहम योगदान है। हाँ, हम तो जिला में भी गए, UDO साहब के पास भी गए, जहाँ तक भी मदद हम इनका किए, मलिक सेठ का जहाँ भेजे वहाँ कागज़ जात लेकर यहाँ से वहाँ जो भी ID लगे इनका लेकर जाना हुआ, ब्लॉक जिला तक में हम पहुँचे। हमारा जहाँ कारीगर से आप मिल रहे थे इस कारखाने को खोलने के सिलसिले में, उस समय कैसा आपको किन-किन परेशानियों का सामना करना? नहीं, बहुत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे इफ्तखार अहमद साहब UDO है, उन्होंने बहुत हेल्प किए, वो हेल्प का आज मेरा सपना पूरा हो गया। जी, हमारा सपना पूरा हो गया। पंचायत के युवाओं से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हमारे पंचायत के युवाओं को जो बम्बई दिल्ली जाना हुआ नहीं जाए, यहीं रहें, यहाँ अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2000-3000 किलोमीटर छोड़ कर जाते हैं, वो अपने घर पर रहें, बीवी बच्चों के साथ रहें, यहाँ काम करें, जो वहाँ पगार मिलता है यहाँ मिलेगा वही पगार। क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पे, आप कैसा लग रहा है आज देखकर? इस बात पे तो सबसे पहले अब्दुल मालिक साहब का, जो डायरेक्टर साहब है, उनका कर्मक में स्वागत है, उनको बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग ने, उन लोग ने बम्बई से आकर इसको खैरवा पंच भगवानपुर पंचायत को बेग बम्बई का लुक देने का काम किया, फैक्ट्री लगाने का काम किया, पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं कि ताकि हमारे गांव पंचायत के लोग या ढाका नगर क्षेत्र के लोग बम्बई ना जाए कमाए, वहाँ बेजती का सब ना इस्तेमाल हो, बिहारी ना कहलाए। चुनाव के समय जब आप लोग वोट मांगने जाते हैं, उस समय यहाँ के जो मजदूर हैं ये जरूर सवाल करते हैं कि भैया यहाँ रोजगार नहीं है, लेकिन अब आपको पंचायत में रोजगार मिल गया लोगों को। ये तो हम पहला चुनाव 2016 में लड़े, जब भी हमने वादा किया था लोगों से, समय भी आपने वादा किया, हमने पहले भी किया था, हारे या जीते हम लोग रोजगार पैदा करने की कोशिश की। हम लोग ने कोरोना के बंदी में गाय का खटाल खोल करके 10 लोगों को काम दिया था, नहीं सक्सेस हुआ, लोगों ने नहीं काम किया, फिर फ्लॉप हो गया। लेकिन आज मलिक साहब का बधाई है, मलिक साहब को योगदान माना जा रहा है, मलिक साहब को बहुत बहुत बधाई है कि उसने बेग का फैक्ट्री लगाया यहाँ, ताकि गाँव के लोगों को काम मिले, बेरिया के लोगों को काम मिले, ढाका के लोगों को काम मिले, बाहर जाके बिहारी लफ्ज का सबका अपमानित ना होना पड़े। सबसे पहले आपने ये बताया कि आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि जो काम को पहले मुंबई में क्या करते थे, लोगों से करवाते थे, उस काम को अपने क्षेत्र में किया जाए? ये तो हम लोग को जो है कि हमारे तुषार जैन हैं, उनसे जो है कि हौसला मिला। पहले ये इनका जुनैद है, ये पंचायती है झिटकाही के मुखिया, इनको पहले जो है कि वो उत्साह बढ़ाए, इनका हौसला बढ़ाए, तो ये पहले कारखाना किए यहाँ, ये किए, तो इनसे जो है कि हमको भी हौसला मिला कि जब ये कर सकते, हमारे ग्रुप वाले हैं सब, हम लोग एक जगह ही रहने वाले बम्बई में, सारे लोग का एक ही जगह कारखाना है, जब ये किए कारखाना यहाँ, जब इनका चलने लगा, तो हमको भी लगा कि भाई जब हमारे ग्रुप वाले जब ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हमारा भी चलेगा। तो सबसे पहले तो इनका हम लोग भी शुक्रिया अदा करते कि ये जो कारखाना किए, ये इनके करने से, हौसला से, इनके हौसला से हमको भी हौसला मिला कि जो हम भी कहें कि हम अपने गाँव में हम कर सकते हैं कारखाना। कितने मशीन का आज आपने उद्घाटन किया है? अभी हमारे पास जो है कि 40 मशीन है, 40 मशीन लगाए हैं, जिसमें से जो है कि 25 आदमी अभी है कारीगर। अब ये आने वाले समय में जैसे हफ्ता दो हफ्ता ऐसा लगेगा, इंशाल्लाह वो भी फुल हो जाएगा। बैंक के जो कारीगर हैं, क्या करेंगे कि बाहर ना जाकर अपने क्षेत्र में? उनको तो अभी भी हम किसी को दिए हैं, बोले हैं कि भाई जैसे तमिलनाडु में है, बम्बे में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, हर जगह पे होता है, वो चीज़ तो अपने गाँव में खुल रहा है, वहाँ से बेहतर कमाई होगा, यहाँ आए सारे भाई लोग, यहाँ आवे काम करे, वहाँ से बेहतर कमाएंगे आप लोग। आप एक लौते से सेठ थे जिन्होंने सर्वप्रथम यहाँ कारखाना खोलने का काम किया था, आपको क्या लगा कि आपने मुंबई को छोड़ करके यहाँ एक बड़े हब को डालने का प्रयास किया? देखिए, हम लोग तो बहुत दिन से ये प्रयास कर रहे थे, और कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी थी, तो हमने एक शुरुआत किया, पहले 24 मशीन लगाया, उसके बाद में ये हमारा 24 मशीन 17 अगस्त को चालू हुआ था, उसके दो महीने बाद हमने फिर 30 मशीन और लगाया, और आज ये 25 तारीख को हमारे यहाँ 100 मशीन का और उद्घाटन हुआ, और ये 40 मशीन अभी जैसे हमारे मलिक भाई के आज उद्घाटन हुआ, इसी तरह चिड़ैया ब्लॉक में दीपई गाँव है, वहाँ पर भी 3 आदमी मिला के 100 मशीन चालू किए।
हमारे यहाँ भंडार में भी 100 मशीन चल रहा है अभी, इसी तरह वहाँ पिपराड़ी और दोस्तिया चौक पे भी 100 मशीन चल रहा है। तो लगभग 450 मशीन आज हम लोग के ग्रुप का हो गया, और ये 8वां कारखाना है जो आज उद्घाटन हुआ है। और हर जगह से कारीगर आ रहे हैं, कारीगर को यहाँ और क्या चाहिए, बाल बच्चे बीवी माँ बाप सब के साथ में रह के, अपने गाँव समाज के साथ में रह के यहाँ काम कर रहे हैं, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। और इससे जनक आपको माना जा रहा है, सारे जो भी सेठ लोग हैं आप ही को जनक मानना है, कि आपसे उत्साह भरा लोगों में कैसा आपको लग रहा है? ये तो कोई बात नहीं है, हर आदमी कोशिश कर रहा है, हमने भी कोशिश किया, और हम लोग के पीछे आज देखिए आज 8 कारखाना हो गया लगभग 450 मशीन, तो हम लोग को खुशी है। और कारीगर से अपील करना चाहेंगे कि एक बार आके यहाँ काम करके देखें, जो बम्बई का रेट है उससे कहीं बेहतर हम लोग यहाँ पे रेट दे रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो अगर चाहते खोलना, उनसे आप क्या अनुरोध करेंगे? मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि हमारे इलाके वाले जो भी बाहर में कारखाना चला रहे हो, और उम्मीद भी है धीरे धीरे इंशाल्लाह सब लोग आएंगे, सारे लोग उम्मीद है कि नहीं आ जाएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। उस डर को आप खत्म करने के लिए क्या करेंगे? देखिए डरने की कोई बात नहीं है, आज मेरा 150 मशीन चल रहा है, तो डर ऐसा कुछ भी नहीं, मटेरियल भी सब जगह से आ ही रहा है, रास्ता भी माशाल्लाह बढ़िया है। जो कमी है जैसे मलिक भाई बताए लाइट की कमी है, और लाइट सरकार भी हमारी लगी हुई इसमें कि इसमें सुधार किया जाए।